नमस्कार, आज मैं बात करूंगा कि कल का एक एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा मैं आपसे। अच्छे अच्छे पकवान खाने के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बीच बीच में ओकेशनली जब भी घर में कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी सो एक डिफरेंट खाना बनता है तो उसका सेवन मैं करता हूँ। 10-11 महीने मैंने स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो किया है। उस टाइम पे मैं इन चीज़ों को पूरा कम्प्लीटली मैंने अवॉइड किया है, लेकिन अब जब मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ, तो मैं इस प्रकार के जो पकवान अच्छे अच्छे जो बनते हैं उसका सेवन मैं कर लेता हूँ। अच्छे अच्छे तो नहीं है हालांकि, लेकिन हम तो यही बोलते हैं कि अच्छे पकवान हैं। सो उसको खाने के बाद जो भी सारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको भी पता चल सके अच्छे और बुरे, क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करके ही आपको बताता हूँ, और आप लोग उस चीज़ को करते भी हैं और उसका हेल्थ बेनिफिट्स आप लोगों को मिल ही रहा है। सो बहुत अच्छा जा रहा है ये एक्सपीरियंस जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, समाज की भलाई के लिए, आप सभी के सेहत के लिए बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, फिर हम वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छे पकवानों में कल जो हमारे घर बना उसको, उसमें खीर, दूध से बनी हुई खीर, और जो है गाय के दूध से बना हुआ खीर, देसी गाय नहीं, आई डोंट नो कौन सा, हम तो बाहर से ही खरीद देने आता है दोजी जो है उसी से दूध लिया मतलब कि हम, और जो है उसी से खीर बना है। और सब्जियां और पूड़ियां, ये दो चीज़ें, सो इन टोटल 3 चीज़ों का मैंने सेवन किया। और खाया खूब पेट भर के और जो है ठीक है, बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, दैट मीन्स कि अभी तो बॉडी पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुकी है मेरी, ऐसे खाने को डाइजेस्ट करके पास आउट कर दे रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया रात से लेके अभी तक, वो ये है कि सुबह उठा तो वो एनर्जी नहीं थी उतनी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ये जो भोजन जो है, जो भोजन मैंने कल खाया, एनर्जी लेता है, देता नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो है वो थोड़ी बॉडी मेरी गर्म थी, हीटअप थी, इसका मतलब है कि रात को शरीर को ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा है, स्टमक, इंटेस्टाइन, कॉलन्स, तीनों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा है, इसी वजह से बॉडी हीटअप हुई है। जब भी हम ऐसा खाना डालते हैं जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, जिसको डाइजेस्ट कर पाना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो बॉडी जो है हीटअप होती है, हमारी गर्म होती है। इसका एक और वजह रीज़न हो सकता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रूल आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये गरम मसाले की वजह से हुआ है या फिर दूध की वजह से हुआ है, क्योंकि गरम मसाले भी गर्मी करती हैं बॉडी में, ठीक है, क्योंकि सब्ज़ी में जो मसाला डला हुआ वो गर्म है, और मिल्क जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जटिल है, डाइजेस्ट नहीं होता है वो, तो उसको शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी वजह से फिर एसिड बनता है बॉडी में ज़्यादा, तो एसिड तो पता ही है आपको, एसिड का मतलब गर्मी है ना, एसिडिटी, गर्मी, पित्त जिसको बोला जाता है, तो इन दोनों में
मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों ने ही किया है, मैं रूल आउट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ों का सेवन किया है। सो अब इसमें एक चीज़ और जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो आपको शेयर करते हैं। मॉर्निंग में जैसे कि वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हुए सारा का सारा बहुत ज़्यादा वो हीटअप था। आपने मिर्ची खाई होगी ना कभी ना कभी, तो जो मिर्ची खाने के बाद जो सुबह सुबह होता है ना उस लेवल की गर्मी तो नहीं थी लेकिन जो गर्मी तो थी, क्योंकि कल का परसों का आज का वो फ़र्क मैं जान सकता हूँ कि जब वो पास आउट होता है तो फिर आपको पता है ना जो है कितनी गर्मी करके निकलता है। तो जो लोग फिशर्स और पाइल्स हैं वो समझ लें कि इसी से होता है फिशर पाइल्स। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो गरम मसाला है और दूध, क्योंकि मैं रूल आउट नहीं कर पा रहा हूँ ना कि ये जो गर्मी मॉर्निंग में जो भी मतलब कि वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हुए जो गर्मी हीटअप जो थी उसके साथ, तो वो मसालों की वजह से है या मिल्क की वजह से, ये मैं रूल आउट अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहा हूँ। सो दोनों चीज़ें ही हैं, ख़राब तो दोनों ही चीज़ें हैं, है ना, गर्म मसाला भी और जो है मिल्क भी, दोनों ही। तो यदि आप इनका सेवन करते रहेंगे तो आपको फिशर पाइल्स ये होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि दूध का भी मैंने समझा दिया कि दूध भी उस तरीके से बॉडी को हीटअप करती है ना, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसकी वजह से जो है एसिड बनाती है और उस वजह से बॉडी हीटअप हो जाती है। और दूसरा मसाले तो गर्म ही है, वो तो आप हम सबको पता है। तो इस तरह से जो है फिशर्स और पाइल्स होता है, ठीक है, आसमान से टपक के नहीं हो जाता है। अभी मैं ही खा लूँ 10 दिन इसी प्रकार का भोजन तो मुझे ही हो जाएगा फिशर पाइल्स, राइट। सो तो जिस किसी को भी है, अगर इस प्रकार का भोजन आप कर रहे हैं तो कम्प्लीटली बंद कर दें, वो आपका जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। बॉडी एसिडिक हो जाती है और हमारी बॉडी की जो प्रवृत्ति है वो एसिडिक नहीं है, अल्कालाइन है, ठीक है। और रात को तो मुझे सोते हुए एक बार उठा मैं तकरीबन 3-4 बजे मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ब्लड भी पूरा साला एसिडिक हो चुका है, ठीक है। और एक दो दिनों में हमारी जो बॉडी है वो पूरा का पूरा, आपको पता है, खून जो हमारी किडनी उसको फिल्टर कर देती है, ठीक है। सो जितना एसिड होता है वो निकाल देती है, लेकिन समस्या हमारी ये है कि अगर हम इसी प्रकार का भोजन रोज़ खाते रहें तो हमारी जो किडनी है वो भी कितना ब्लड प्योरीफाई करेगी, आप समझ रहे हैं ना। अब रोज़ रोज़ आप हम ब्लड को एसिडिक बना देंगे तो फिर वो किडनी भी कितना करेगी। अब आज तो उसने कर दिया, कल खाया आज कर दिया, अब इसके बाद जो है मैं अपना जो भोजन मैं करता हूँ अच्छा वाला बेहतर, जो हमारे पास फल सब्जियाँ मिलेट्स ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर एक दिन में तो बॉडी ऑटो रिजॉल्व कर लेगी और उस किडनी को कोई समस्या भी नहीं होगी। तो लेकिन रोज़ रोज़ खाएंगे तो दिक्कत करेगा। अब मैं आज भी खा लूँ वही भोजन, कल भी खा लूँ वही भोजन, तो कैसे होगा, है ना। वो फिशर पाइल्स भी हो जाएगा, ठीक है, बॉडी हीटअप भी हो जाएगी और जो है हमारा जो ब्लड है वो अल्कालाइन से एसिडिक भी हो जाएगा। अब किडनी को कितना काम करना पड़ेगा आपको पता है ना। तो इसी प्रकार का काम हम पीछे किया कर रहे थे हम सब लोग, मतलब हम बीमार पड़े हैं तो इसी वजह से पड़े हैं। अब ये चीज़ ये बातें हमें अभी समझ में आ रही है कि यस इस तरह से पीछे हमारे साथ हुआ है कि पता ही नहीं था कि ब्लड को अल्कालाइन कैसे रखें, बॉडी में हीटअप क्यों ना होने दें। मसाले तो हमें पसंद है, सब्जियों में डाल डाल के मसाले खाते आए हैं हम लोग पीछे, इसी वजह से तो बीमार पड़े हैं ना, दूध खा रहे हैं इसी वजह से तो बीमार पड़े हैं ना। अब ये बात समझ में आ रही है। सो ये तो रहा एक्सपीरियंस। एक चीज़ इसमें अब मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे दूध की अगर मैं बात करूँ तो पीछे मुझे दूध को ऑटो रिजोल्व करने में, दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट जब मैं इस प्रकार से खाता था पीछे, तो 2 दिन लगता था बॉडी को ऑटो रिजोल्व करने में, और 2 दिन में काफ़ी परेशान भी रहता था एसिड की वजह से पेट में। सो वो चीज़ तो नहीं है, बॉडी ने इसको रिजोल्व कर लिया है एक ही दिन के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 महीने की डाइट के बाद मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, यानी कि जिस दूध को डाइजेस्ट करने में 2 दिन लगता था रिजोल्व करने में, वो आज
एक ही दिन में उसने रिजॉल्व कर लिया है। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो इस चीज़ से हमें ये भी पता चला, खैर अब दूध के बारे में तो हमें पता चल ही चुका है कि ख़राब है, तो आगे लाइफ में कभी भी हम इसका सेवन नहीं करेंगे। ओकेशनली इस तरह से कुछ बनता है घर में खाना तो चलो खा लेंगे, लेकिन जो है उसे डेली बेसिस पे हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो जो है ये तो रही दूध की बात। दूध में कुछ और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। दूध आखिर इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गया, क्योंकि वैसे तो हमारे वेद पुराणों में दूध के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आज इतना ख़राब क्यों हो गया है दूध? इसका कारण देखे ये है कि इसको ना जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है हमने। मुझे एक ना अपनी घर की बात याद आती है, मैंने कई बार शेयर भी किया है आप लोगों से। सितंबर 2019 में मैं जब घर गया था तो आपको मैंने बताया कि मैं सुबह सुबह जो है मट्ठा पिया करता था, मम्मी मेरी देती थी, पूरा एक लोटा भर के मट्ठा पीता था सुबह उठ के, और पूरा दिन बहुत बढ़िया जाता था, कोई एसिड नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो जाता था। और वही जो है जब मैं चंडीगढ़ आया घर से और वही मट्ठा मैं जो है, अब यहाँ तो पता ही है आपको मार्केट से ख़रीद के लाना पड़ता है, तो मार्केट से ख़रीद के ले आया, पूरा दही जो जमाया होता है और उसको फिर पीने की कोशिश किया तो वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाना शुरू कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक ऐसा दूध और एक दूसरी तरफ शहर वाला जो दूध है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरा दूध स्वास्थ्य दे रहा था और दूसरा दूध ये इधर जो चंडीगढ़ का दूध है ये स्वास्थ्य ले रहा था। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो रीज़न देखिए यही है कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है एक तो, और दूसरी बात एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये 15-15, 20-20, 10-10 लीटर देने वाली जो गायें हैं, जो लोग आजकल कह रहे हैं कि जी देसी हैं, ठीक है, पीछे मैंने देसी गाय का घी भी मंगाया, गिर गाय का, ठीक है, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वो कहते हैं जी देसी है हमारी गाय तो 15-20 लीटर दूध देती है। ये मेरे को समझ नहीं आता, 15-20 लीटर दूध देने वाली गायें देसी हो ही नहीं सकती, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। देखो जी, मैं 10 साल गांव में रहा हूँ, हमारे घर पे गाय भैंसे दोनों थी, 10 सालों तक गाय भैंसों को चराया भी मैंने, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि मतलब सारी चीज़ें मुझे पता है, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे घर में 1.5 से 2 लीटर दूध गाय ने दिया है, और आज भी जो गाय हमारे पास है घर में जो हमारे यहाँ होती है आजमगढ़ युग में, वो इतना ही दूध देती है, 1.5 से 2 लीटर, इससे ज़्यादा दूध नहीं देती है। तो वो गायें देसी है क्या है, लोग बोलते तो हैं 15-20 लीटर 10 लीटर दे रही है, वो मेरी समझ से बाहर है। देखो जी ना, मैं उनको देसी मानता हूँ, मानता भी नहीं, क्योंकि उनका 3,000 रुपया लीटर घी मैंने ख़रीदा और उसको खाया, ऐसा नहीं कि मैंने घी नहीं खाया, मेरे घर के पास भी मेरे घर पे भी देखे गायें भैंसे हैं तो मैंने खा रखा है। वो 3,000 रुपये लीटर घी भी मतलब कि ठीक नहीं था, जो मैंने उसको खाया पिया ऑब्ज़र्व किया वो ठीक नहीं है। सो इस प्रकार से जो है 1.5 से 2 लीटर दूध गाय देने वाली ही मेरी नज़रों में तो देसी है, ठीक है। और सो चले आगे, हम जब भी दोबारा घर मैं जाऊंगा विज़िट करूंगा तो ये और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। घर का जब मैं अपना जो है दूध का इस्तेमाल या दूध से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट है खाऊंगा तो पता चल ही जाएगा मुझे कि क्या फ़र्क है भाई, है ना। दोबारा वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जब भी घर जाऊँगा मैं। तो अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखे अननेचुरल चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि गायों में सीमन चढ़ाते हैं। आपको पता है एक नेचुरल चीज़ जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं वो लोग इंजेक्शन से सीमन चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बैठ के प्राकृतिक की बातें करते हैं, भाई चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, और हम लोगों का विश्वास भी हो चुका है कि चीज़ें प्राकृतिक ही होनी चाहिए। तो अब ये तो अननेचुरल चीज़ होगी जो तुमने कर दिया, सीमन चढ़ा दिया वो भी इंजेक्शन के थ्रू, जबकि बुल्स के थ्रू सीमन चढ़ना चाहिए था। अब सीमन भी तुम अलग अलग नस्लों के लेके चढ़ा रहे हो क्योंकि तुम्हें ज़्यादा दूध चाहिए, तो तुम नस्लें भी मिक्स कर दे रहे हो एक दूसरे
भी देसी गाय का वो जो है जर्सी के साथ मिक्स कर दे, या देसी में ही कई अलग अलग ब्रीड्स होती हैं उनको ला के जो है मिक्स कर दे रहे हो। जैसे गिर गाय ज़्यादा दूध दे रही तो तुम उसको किसी अन्य उसके साथ उसका सीमन मिक्स कर दे रहे हो, तो ये चीज़ें भी हो रही है। तो ये सब कुदरत के साथ खिलवाड़ ही है। तो अब जैसे इस प्रकार का दूध कैसे हमें सूट करेगा आप बताओ मुझे, जो कुदरती है ही नहीं है, जो इंसानों ने बना दिया है जिस दूध को, वो हमारी बॉडी को सूट करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, ज़िंदगी में नहीं करेगा। वेद पुराणों में हमारे आता तो है दूध अच्छा है बढ़िया है, लेकिन आज वही दूध हमारे लिए जहर बना हुआ है। तो यही सारे रीजंस हैं, देखो जी यही सारे रीजंस हैं। हर चीज़ तो पैसे को देख के किया जा रहा है, तो फिर कहाँ से जो है स्वास्थ्य मिल जाएगा हमें? ज़्यादा दूध मिले तो फिर ऐसे लोग तिकड़म लगाते हैं कि उस बुल्स का सीमेंट चढ़ा दो जी, ज़्यादा दूध गाय देने लगेगी। तो ये सारा देखे जी खेल है, ये सब अननेचुरल है, और हमें ये बात तो पता चल ही चुका है कि नेचुरल चीज़ें ही सही है। अननेचुरल चीज़ें मतलब जब भी हम करेंगे तो फिर हमारी सेहत के लिए ही वो हानिकारक है। तो ये दूध के ख़राब होने की वजह है, सबसे बड़ा रीज़न जो है ये, जो इस तरह का हम अननेचुरल चीज़ें कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब मैं वीडियो के आखिर में यही आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी डाइट को शुरू किए हैं तो वो अभी इस प्रकार का भोजन को अवॉइड करें, ठीक है, ना करें। क्योंकि देखिए मैंने 9-10 महीने पूरा स्ट्रिक्ट डाइटिंग किया है, तब जाके मैं पूरी तरह से स्वस्थ हुआ हूँ। अभी जब स्वस्थ हो गया हूँ तो ओकेशनली जब भी घर घर में इस तरह से बनता है या यार दोस्त मिल जाते हैं कभी, तो मैं बाहर का फास्ट फूड भी खा लेता हूँ उनके कहने पर। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं, ठीक है, क्योंकि रोज़ का मैंने अभी समझा दिया, रोज़ करोगे तो बॉडी ऑटो रिजोल्व कितना करेगी, आप हमारे अंग ही ख़राब हो जाएंगे ऑटो रिजोल्व करते 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 करते, ठीक है। सो घर पे बढ़िया खाना खाएं, ऐसे ओकेशनली कभी खाना बनता है तो खा लें। और सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।